दोस्तों, जीप आपकी निकल गई है, जीप का रनर निकल गया है और कहीं जाने के मूड में है, तैयारी के मूड में है, तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देखना है। दोस्तों, देखने के लिए दीवान गारमेंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए क्योंकि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। दोस्तों, एक कटर लेंगे, कटर से हम देखेंगे जिस बाजू में रनर नहीं है वो चैन का जो पट्टी का है भाग है, थोड़ा पट्टी का भाग हम ऐसा थोड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा हम थोड़ा हल्का सा इसको कट कर लेंगे और रनर को नीचे ला के खींच के रनर में हम इसको ऐसा बिठा लेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ऐसे बिठा के और हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा हल्के हाथ से ऐसा एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा रनर में लगा के चैन का जूप है ये हम ऊपर की तरफ खींच के लेके आएंगे। ये दोस्तों छोटी सी ट्रिक है। ये देखिए, चैन आपका बन गया है, जीप आपकी बन गई है। अब दोस्तों, इसका जहां हम काटे हुए भाग है, जहां कटा हुआ भाग है, उसको हम थोड़ा सुई धागे से उसको मजबूत कर लेंगे, थोड़ा सिलाई मार लेंगे, जो कि रनर हमारा दोबारा जहां से कटा हुआ भाग है वहां से निकले नहीं। दोस्तों, ये देखिए, जो कटा हुआ भाग है उसके हम थोड़ा ऊपर हल्का सा ऊपर इस सुई धागे से हम सिलाई कर लेंगे, दो तीन टाका मार देंगे, जिससे चैन का जो रनर है वो दोबारा निकले नहीं। दोस्तों, ये देखिए, ये लग गया टाका और जिप हमारे जो जींस की दोस्तों रेडी हो गई। छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, कहीं आपको नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, एक छोटा सा कटर या कैंची लेके हल्का सा उसको काट के ये दोस्तों हम बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए, जींस आपकी रेडी, अब आप पहन के कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी जींस जो ऐसे होती है दोस्तों, कभी कभी देखते हैं धुलाई के वक्त या किसी कारणवश जो उसका रनर है, रनर ही नहीं रहता दोस्तों। ये देखिए, जींस में कभी कभी देखते हैं रनर नहीं रहता, सोचते कहाँ बनवाएंगे, कैसे बनेगी दोस्तों। उसके लिए हमको देखना है दोस्तों कि हमारी जो जींस है वो कौन सी ब्रांड की है, इसके पहले भी हम वो ब्रांड पहनते थे क्या, क्योंकि दोस्तों अगर ब्रांड सेम रहता है तो चैन भी लगभग सेम रहती है। दोस्तों, अगर हमको जूनी जींस मिल जाती है या कोई पुरानी जींस मिल जाती है जिसका हमारा कोई काम नहीं रहता दोस्तों, तो उसका हम ये रनर निकाल लेते हैं। रनर निकालने के बाद दोस्तों, या रनर मिल गया है तो उसको हम वही जैसा पहले पैंट में बनाए थे वैसे ही दोस्तों एक कटर से थोड़ा कट कर लेंगे। एक कट करेंगे हम थोड़ा सा कट करने के बाद ये जो रनर है, रनर इधर हम फंसा लेंगे दोस्तों। इधर फंसाने के बाद दूसरी बाजू का जो पट्टी है, जो जिप की पट्टी है, उसको भी हम वहीं पे थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कट कर लिए। कट करने के बाद दोस्तों, वो पट्टी हम उसी रनर में लगा देंगे। रनर में लगाने के बाद दोस्तों, हम उसको रनर को थोड़ा धीरे धीरे हल्के से ऊपर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, और ये चैन आपकी दोस्तों, देखो ये भी दोस्तों चैन बन गई है ना दोस्तों। छोटी सी ट्रिक लेकिन मज़ेदार ट्रिक, आपको कहीं किसी टेलर के पास नहीं भागना है, 100-150 देना नहीं है दोस्तों। ये छोटी सी ट्रिक है, वो चैन जहाँ से हम कटिंग किए हुए हैं, जहाँ से काटे हुए हैं, सुई धागे से लेके हम दोस्तों उसको थोड़ा पैक कर देंगे कि हमारा नर बाहर निकल ना सके। और ये मुश्किल से ये सारा काम करने में हमको 5 मिनट से 6 मिनट लगेगा दोस्तों, और 5-6 मिनट में हमारी जिप बन जाएगी। आशा है दोस्तों आपको ये छोटी सी ट्रिक जिप की, जींस की, पैंट की पसंद आई होगी दोस्तों। और पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलेंगे जींस के बारे में ऐसे कुछ मज़ेदार जानकारी लेके। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भूले नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दीवान गारमेंट को, और जिन लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब किया है उन लोगों का दिल से आभार, थैंक यू, जय हिंद।
नमस्कार।